जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर जो रैली दो दिन पहले मेरठ से चली थी वो अब गाजियाबाद होती हुई दिल्ली पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली में गाजीपुर के पास इस रैली को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। कानून व्यवस्था के चलते रैली को रोका गया है क्योंकि इस रैली में हजारों लोग शामिल हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों पर दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। जंतर मंतर पर कई बड़े नेता भी रैली में शामिल होने वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर अब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला वक्त बेहद भयावह हो सकता है। इसके लिए जागरूकता और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून रैली निकाली जा रही है। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। हालांकि रैली में काफी ज्यादा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। देखना यह है कि जंतर मंतर पर होने वाला ये प्रदर्शन कब तक कामयाब होता है और जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में भी चीन की तरह से लागू हो पाता है। अपने देश में रह रहे हैं तो हम साफ साफ बात करें कि हमारे देश में घटता जल और संख्या जो हमारे भूभाग की जो स्तर है वो भी हमारे पास कम है और बढ़ती हुई जनसंख्या ये पूरे संसार में भारत एक ऐसा विषय बन चुका है जनसंख्या के मामले पे और आज 2019 पे ये विस्फोटक स्थिति पर आ चुका है। हम माने ना माने हम कितना विकास कर लें कितनी प्रगति की बात कर लें ये सब कम पड़ जाएगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू ना हुआ। इसी के लिए ये पदयात्रा हमने रखी है कि लोग इसमें जुड़ें और सरकार तक ये संदेश जाए कि जितनी जल्दी हो सके।